तो मैं अपने पड़ोसी कसम हो इतनी ताकत से भी मत लगा दी ना पांडाल अपने ऊपर गिरा लो। बोल गोवर्धन भगवान की, बोल परिचित महाराज की। बहुत सुंदर। अब बात बनी लेखराज पर के देवी देवता भगवान मुरली मनोहर घनश्याम ने गोवर्धन का पूजन करवाया है माताओं। इंद्र का अपमान हुआ, इंद्र तो वैसे भी जल रहा है, ब्रह्मा पुत्र देव ऋषि नारद जिसकी की हुई बात कभी नारद न हो वही है नारद। नारद जी ने सोचा इंद्र तो वैसे भी जल रहा है, यहाँ पानी की जरूरत नहीं, थोड़ा घी डाल देते हैं। इंद्र के पास में जिस समय नारद जी पहुंचे हैं जाकर के बताया है प्रभु एक छोटे से बच्चे की बात को मान करके वृंदावन वालों ने गोवर्धन का पूजन किया है और आपका अपमान किया है, तो याद रखना भैया। इतने शब्द सुनने के बाद इंद्र ने मेघों को बुलाया, मेघों को आज्ञा दी, बादलों से कहा चले जाओ वृंदावन में, इतनी तेजी से घेराओ, इतनी तेजी से बारिश कर दो, ओले बरसाओ, वृंदावन का नामो निशान मिट जाए। आज्ञा की देरी थी माता। याद रखना भैया, इतनी तेजी से बादलों ने बारिश की है माता, और ऐसा अद्भुत दृश्य देख करके भगवान कन्हैया ने गोवर्धन पर्वत को उठाया और अपनी उंगली पर धारण कर लिया, और जिस समय पर्वत को रखा है मैया यशोदा ग्वाल वालों को बुलाने लगी, कहने लगी सभी ग्वाल वाल तनिक सहारा दो, हमारे कन्हैया की नरम कलैया है। भैया माँ यशोदा को नहीं पता है, ग्वाल वाल दूर खड़े सभी मुस्करा रहे हैं, भगवान कन्हैया यशोदा मैया को बुलाने लगे, मैया।